हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऐश्वर्या रसोई। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। वो है मलाई से मक्खन निकालना। नॉर्मली जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं, बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं और बहुत ज्यादा समय लगता है। आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसमें ना आपको बिजली की जरूरत होगी, ना हैंड ब्लेंडर की, ना मिक्सी की। बस आप उसे एक ही डिब्बे में मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं, साथ ही बटर मिल्क निकाल सकते हैं यानी छाछ निकाल सकते हैं, और उसे आप चाहें तो पनीर भी बना सकते हैं। ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। मलाई से मक्खन निकालने का एकदम अनोखा और अतरंगी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक डिब्बा, और जिसका एकदम अच्छे से टाइट ढक्कन हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये है दूध और इस पे है एक अच्छी मोटी मलाई। सबसे पहले हम मलाई के किनारों को इस तरीके से हटाते हुए दूध पे से मलाई उतार लेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दूध पर किस तरीके से मोटी मलाई आ सकती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और इसके बाद हमने ये जो मलाई है इसको इस तरीके से हाथ में उठाते हुए, सिर्फ मलाई मलाई को ही हम इस डिब्बे में इकट्ठा करते जाएंगे। ये एक दिन की मलाई को मैंने डिब्बे में इकट्ठा कर लिया है। अगर आप इससे बटर मिल्क या पनीर भी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल दीजिए और इसको हिला दीजिए। और मैं इसी तरीके से इसमें 3 से 4 दिन की, ये जिस भी हिसाब से आपके यहाँ दूध आता हो और उसमें से मलाई उतरती हो, हम इसे आधे भरने तक इसका इंतजार करेंगे। और जितनी बार भी हम इसमें मलाई डालेंगे हर बार हिला देंगे और इसे हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं, ना हम इसे बाहर रखेंगे। मैंने डिब्बे में 4 दिन की मलाई कर ली है और थोड़ा सा दही और डाल दिया था और हर बार मैंने इसे हिला दिया था। मैं इस तरीके को अनोखा या अतरंगी इसलिए कह रही हूँ, स्टोरीज करते हुए हमने जिस डिब्बे में मलाई को स्टोर किया है उसी डिब्बे से हम मक्खन निकाल लेंगे, उसी में हमारा बटर मिल्क यानी कि मठा भी तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें फ्रीजर का ठंडा पानी डालेंगे। अगर पानी ज्यादा ठंडा नहीं है तो आप उसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल सकते हैं, और मलाई को भी ठंडा ही होना चाहिए। मैंने इसमें पानी डाल लिया है। एक पिन्नी लेंगे और पिन्नी को हम प्रिकॉशन के तौर पर ले रहे हैं। बस अच्छे से ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन एकदम टाइट करके लगाएंगे। और इसके बाद इस तरीके से हम इसे शेक करते जाएंगे। आपको कई फायदे होने वाले हैं, एक तो आपके हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरे आपके कोई भी बर्तन गंदे नहीं होंगे। इस एक ही डिब्बे में हम मक्खन को बहुत अच्छे से निकाल कर तैयार कर लेंगे। और ये शेक करने का काम तो आप अपने हस्बैंड से भी करा सकती हैं, बेटे से करा सकती हैं। मैंने इसे करीब 1 मिनट तक और एकदम तेज हाथों से लगातार चलाया है और अब आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा हो गया है। बस अब हम इसे 1 मिनट या 30 सेकंड और इसे इसी तरीके से शेक करेंगे और मक्खन अलग हो जाएगा और बटर मिल्क यानी कि मठा अलग हो जाएगा। और मैंने इसे 30 से 40 सेकंड तक और लगातार चला लिया है। आप बाहर से भी देख सकते हैं कि जो मलाई है वो फट चुकी है, यानी उसमें से मक्खन अलग हो चुका है और बटर मिल्क अलग हो चुका है। अब डिब्बे का ढक्कन खोल देंगे और देखिए मक्खन एकदम से अलग हो गया है। अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि मक्खन इसमें से एकदम अलग हो गया है। और बस मक्खन को हम अलग बर्तन में ट्रांसफर करते जाएंगे और ये बहुत इजीली हो जाता है, एकदम सारा मक्खन जुड़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि मक्खन को मैंने अलग कर लिया है
और ये बटर मिल्क मैंने अलग कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही नमक और जीरा डालकर पी सकते हैं। अगर आप इसे पनीर बनाना चाहते हैं तो आप इसे उबाल लीजिए। एक उबाल आने पर ही ये फट जाएगा और उसे आप छलनी में डाल दीजिए, जिससे पनीर अलग हो जाएगा और नीचे पानी निकल जाएगा। मलाई से मक्खन और बटर मिल्क निकालने का ये थोड़ा अनोखा सा तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसे निकालने में एक तो बर्तन बिल्कुल गंदे नहीं होते और टाइम बहुत कम लगता है। मात्र 1.5 से 2 मिनट में ही मक्खन और मठा अलग हो जाता है। ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। मात्र 2 से 3 मिनट में ही हमारा मलाई से मक्खन अलग हो गया है और बटर मिल्क यानी कि छाछ अलग हो चुका है, और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। आप चाहें तो ये काम किसी से भी करा सकते हैं, अपनी मेट के साथ करा सकते हैं, हस्बैंड के साथ करा सकते हैं, बच्चों से करा सकते हैं, कोई भी आराम से कर देगा और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।